इस वाटर मैजिक बुक के साथ मिल जाता है मैजिक वाला पेन, और इस पेन को पानी में डिप कर लें या पानी इसके अंदर भर लें और फिर देखें इसका मैजिक। और ये देखिए कितनी आराम से इसके ऊपर कलर दमदार होते चले जा रहे हैं, और 15 मिनट बाद गायब। ये ब्रेड वाली रेजर तो बहुत ही कमाल की है, इसके अंदर हमें 4 स्लाइस मिल जाते हैं पूरे के पूरे। और ये किटी वाला शार्पनर, वेलकम गाइस। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, और गाइस आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लाए स्टेशनरी के धमाकेदार आइटम। गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गाइस अगर अभी तक नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चले जल्दी से वीडियो को शुरू कर दो, और सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये वाला शार्पनर। और गाइस ये शार्पनर तो बहुत ही अमेजिंग है। शार्पनर के अंदर हमें 2 ड्रॉज मिल जाती है, जिसमें से एक ड्रॉज के अंदर जो है शार्पनर लगा हुआ होता है, जबकि दूसरी ड्रॉज के अंदर हमें रेजर मिल जाती है। वाओ गाइस ये तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग लग रही है। ये देखें कितनी प्यारी सी रेजर है, अरे वाओ गाइस। चले मैं जल्दी से इसको रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ और भी बहुत सारी चीजें। गाइस ये वाली रेजर तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इस रेजर के अंदर हमें मिल जाते हैं 4 स्लाइस। और गाइस मुझे भूख भी लग रही है, चले मैं जल्दी से इसको खा जाता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं इसको खा नहीं सकता, इसको खाने के बाद तो सिर्फ वॉशरूम ही जाना पड़ेगा। चले मैं इसको जल्दी से आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसको खाता नहीं उसको, क्योंकि रेजर होती है इससे मिटा सकते सिर्फ। और गाइस ये 10 कलर बॉल पेन के अंदर आए न्यू करेक्टर, चले मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। ये बारबी वाला करेक्टर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है पिंक कलर में, और ये वाला देखिए, अरे वाओ गाइस इस पे तो स्पाइडरमैन बना हुआ है, और ये बहुत ही जबरदस्त स्पाइडरमैन है। गाइस चले जल्दी से मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेन वर्क करता है और किस तरीके से 10 कलर के अंदर लिखता है। तो गाइस पहले ये वाला कलर भी देख लेते हैं, मिक्की माउस वाला। और गाइस ये मिक्की माउस वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, चले मैं जल्दी से बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो देखें जब पहले जो है ना, मैं इसका एक लीवर नीचे कर देता हूँ, जिस कलर का लीवर मैं नीचे करूंगा ये उसी कलर का लिखेगा। तो देखें चले मैंने ये वाला कलर इसका नीचे कर दिया। अब ये देखिए, अरे वाओ गाइस ये देखें बिल्कुल ये रेड कलर के अंदर कितना प्यारा सा लिख रहा है। और अब मैं इसका बीच वाला बटन पूरा दबाता हूँ, ये वो लीवर ऊपर चला जाता है, उसके बाद दूसरा लीवर नीचे कर देता हूँ, तो अरे वाओ गाइस ये देखिए ऐसे पूरे 10 कलर मिल जाते हैं हमें इस पेन के अंदर। तो गेन कैसा लगा गाइस ये भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चले मैं इसको भी जल्दी से रख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ और बहुत सारी चीजें अभी। तो गाइस ये वाला देखिए स्लाइम, और ये स्लाइम तो बहुत ही प्यारी है। चले इससे मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के इसको पैकिंग से। तो गाइस के बहुत ही प्यारे प्यारे से जार बने हुए छोटे छोटे, और गाइस मैं इसको इस तरीके से खोल लेता हूँ और इसको निकाल के चेक भी कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, अरे वाओ गाइस ये कितना जबरदस्त और बिल्कुल जैली की तरह लग रही है, लेकिन ये खाने के लिए नहीं होती बिल्कुल भी। और गाइस ये देखिए, मैं इसको दोबारा से इसे पैक तो बिल्कुल फिक्स हो जाती है ये बॉक्स के अंदर। तो गाइस से तो बहुत ही अच्छे अच्छे गेम बन सकते हैं। और गाइस ये वाले देखिए, अरे वाओ गाइस ऑरेंज कलर तो बहुत ही प्यारा है, और गाइस इससे जो है हाथ गंदे भी नहीं होते। अरे वाओ गाइस ये तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और गाइस आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ये देखिए इसको मैं दोबारा से फेंकता हूँ ताकि इसकी पैकिंग वापस चली आ रहा है। चली जाओ। ओ गाइस बहुत ही जबरदस्त मेरा निशाना था, आप लोगों को कैसा लगा मेरा निशाना ये भी बताइएगा। चले मैं जल्दी से इसको रख देता हूँ और इसके कलर दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें इसके अंदर हमें कितने प्यारे प्यारे कलर मिल जाते हैं, येलो ऑरेंज रेड पर्पल लाइट ब्लू डार्क ब्लू पर्पल और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, और बहुत ही प्यारे प्यारे अमेजिंग 12 कलर मिल जाते हैं। गाइस आपको कौन सा कलर अच्छा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा। चले मैं जल्दी से रख के आपको ये वाला पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ। जंबो साइज पेंसिल बॉक्स के अंदर हमें पूरे पूरे 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं, और इसके साथ हमें शार्पनर भी मिल जाता है। तो देखें गाइस जब मैं ये बटन दबाता हूँ तो इसकी विंडो खुल जाती है, और इसमें हमें डुअल शार्पनर मिलता है जो जंबो कलर और नॉर्मल पेंसिल के लिए होता है, और इसका कचरा ऊपर से निकल जाता है। यहाँ से अगर हम इसका ढक्कन खोल देते इसका कचरा भी निकाल सकते हैं। और गाइस इसके मेन कंपार्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त स्पेस मिलती है, और वाओ गाइस के अंदर तो हमें क्लिप लगे हुए मिल जाते हैं जिसमें हम अपनी पेंसिल वगैरह को भी फंसा सकते हैं। और गाइस बैक साइड पे भी बहुत बड़ी स्पेस मिलती है हमें अपने कलर वगैरह रखने के लिए। और गाइस सबसे ज्यादा अमेजिंग तो ये छोटा वाला खाना है। गाइस ये कंपार्टमेंट तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट है, इसके अंदर तो अपने क्वाइन वगैरह को भी रख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर भी हमें बहुत प्यारे प्यारे कलर मिल जाते हैं, तो ये यूनिकॉर्न वाला कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, और इसमें भी इसी तरीके से 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। अरे वाओ गाइस इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और गाइस ये वाली 3D देख लीजिए, 3D पेंसिल केस। और गाइस 3D क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है वो बहुत ही 3D टाइप का बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि चेरी जो है जैसे उभरी हुई है। इस पेंसिल केस के अंदर भी हमें 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ, और साथ में शार्पनर भी मिल जाता है। ये देखिए, अरे गाइस देखें दोनों तरफ जो है कितने प्यारे प्यारे जो है इसके ऊपर चेरी भी बने हुए हैं, जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है 3D जैसे उभरे हुए, जैसे चेरी रखे हुए उठा के खा लो। गाइस चले आज जल्दी से मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ।
गाइस अब ये देखते हैं ये वाली मैजिक बुक। और गाइस ये वाटर मैजिक बुक तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि गाइस इसके अंदर हमें इसके सोन की बनी हुई ड्राइंग मिल जाती है। और गाइस ये पूरी वाटर मैजिक बुक होती है और इसके साथ हमें एक पेन भी मिलता है, ये मैजिक पेन होता है। और गाइस इसके अंदर जो है पानी भरा जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें इस तरीके से ऊपर से इसको खोल देते, खोलने के बाद जो है इसके अंदर हम पानी को भर सकते हैं। इस जगह के ऊपर पानी को भर के और इसको दोबारा से फिर टाइट कर देंगे। तो देखें गाइस इसके अंदर पानी को पहले भर लेंगे, उसके बाद इसको दोबारा से टाइट कर देंगे। और अगर गाइस इसके अंदर पानी ना भरे तो आप इसकी जो है निप को डिप करके भी कर सकते हैं काम। तो गाइस इसकी निप को चले मैं डिप करके आपको जल्दी से इसकी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। तो ये देखें इस तरीके से जो है पानी ले आता हूँ पहले थोड़ा सा, और इस तरह जो तस्वीर बनी हुई है बिल्कुल इसी तरीके से ये तस्वीर भी कलरफुल हो जाएगी। तो गाइस चले जल्दी से पानी ले आता हूँ और पानी के अंदर डिप करता हूँ पहले इसकी निप को। और गाइस अब बिल्कुल मैजिक स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं किस तरह का मैजिक स्टार्ट होता है। तो ये देखिए गाइस मैं इसके ऊपर जब फेरता जाता हूँ, वाओ गाइस ये देखिए किस तरीके से रेड कलर खुद ब खुद नमूदार होता जा रहा है। और गाइस मैं इसी तरीके से इसको फेरता जा रहा हूँ, तो देखें खुद ब खुद कलरफुल होती जा रही है पिक्चर। और गाइस इसी तरीके से मैं जल्दी से पूरी पिक्चर पे आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस के अंदर देखें किस तरीके से इसी तरीके से जो कलर नमूदार होते जा रहे हैं। और गाइस ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और गाइस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप ये भी बताइए कमेंट में जरूर बताइएगा। चलें जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ पहले और फिर आपको दिखाता हूँ। और सबसे बड़े मैजिक की बात तो ये होती है कि आफ्टर 15 मिनट ये सब कुछ गायब हो जाता है दोबारा से। वाओ गाइस ये तो कमाल हो गया। अब देखते हैं कि 15 मिनट के बाद ये जो है खुद ब खुद गायब होता है कि नहीं। तो चले मैं इसको भी कलर करके ना पहले साइड पे रख देता हूँ जब तक हम और चीजें देखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि गायब होता है कि नहीं। तो गाइस चले जल्दी से मैं इसको पहले साइड पे रख देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि तो बहुत सारे और अमेजिंग आइटम बाकी है। तो गाइस बिल्कुल वीडियो के साथ बंदे रहिएगा। चले जल्दी से शुरू करते हैं और भी चीजें देख लेते हैं। गाइज ये है स्टार वाली पेंसिल, और ये स्टार वाली पेंसिल तो बहुत ही जबरदस्त है। जो स्टार बना हुआ था ये रेजर होता है, इससे हम जो है अपनी लिखी हुई चीज गलत लिखी हुई चीज को मिटा भी सकते हैं। और गाइज ये वाला देखिए, अरे वाओ गाइज ये तो बिल्कुल ही जो रैबिट की तरह लग रहा है। और गाइज ये भी रेजर होता है, इसको भी पेंसिल से अलग भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। चले जल्दी से इसको भी रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी और भी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो गाइज हम देख लेते हैं ये वाला एग्जाम बोर्ड, यानी इसके ऊपर अपने एग्जाम के दौरान लेके जा सकते हैं और इसके अंदर अपने पेपर्स को फंसा के राइटिंग कर सकते हैं। तो गाइज इसको राइटिंग पैड भी कह सकते हैं। और गाइस ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, उसका क्लिप भी बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर हमें मजीद कलर भी मिल जाते हैं। तो गाइस ये देखिए पिंक कलर, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए अनब्रेकेबल होते हैं, ये बुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। और गाइस इसके अंदर और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर है, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट गल रहे, वाओ गाइस ये कलर भी बहुत प्यारा है। और पीछे येलो वाला तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, और ये बिल्कुल अनब्रेकेबल होता है, टूटता नहीं है। अब ये लाइट ग्रीन वाला कलर भी देख लीजिए, अरे वाओ ये भी बहुत ही जबरदस्त है। को भी रख देता हूँ जल्दी से और आपको दिखाता हूँ अभी और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो गाइस हम देखने वाले ये वाले बीड्स वाले स्टिकर। और गाइस ये बीड्स वाले स्टिकर तो बहुत ही काम आने वाली चीज है। गाइस अक्सर बच्चे मेहंदी भी लगाते हैं अपने हाथों पे, तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और गाइस ये मेकअप के दौरान भी यूज होते हैं। गाइस इनसे जो है मोबाइल के ऊपर भी डिजाइनिंग करी जाती है, मोबाइल की बैक साइड पर भी नक चुपका के बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं, और नाम के अल्फाबेट भी बना सकते हैं इनसे। और गाइस ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इसके अंदर भी हमें दो वेरिएंट मिल जाते हैं। चले मैं नीचे वाला भी दिखाता हूँ आपको। देखें इस तरीके से छोटे छोटे पैक बने हुए होते हैं। गाइस मैं आपको जल्दी से नीचे वाला डिजाइन भी दिखा देता हूँ। तो देखें इस तरीके से छोटे छोटे पैक होते हैं ये, और इसी तरीके से नीचे वाला जो मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगा उसमें भी इसी तरीके से हमें छोटे छोटे पैक बने हुए मिलते हैं। तो हम अगर एक पैक ले लें तो इस एक पैक से भी हमारा काम चल सकता है, इससे हम काफी सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से इसके अंदर भी छोटे छोटे से पैक बने हुए होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से। तो गाइस ये कैसे लगे अभी मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चले जल्दी से अभी तो हमें वो वाली बुक भी देखनी है जिसके ऊपर हमने कलर लगा के रखा था कि कलर गायब हुए या नहीं। अब ये देख लेते 3D स्टिकर। तो गाइस ये 3D स्टिकर तो बहुत ही अमेजिंग है, और इसके ऊपर बना हुआ है स्पाइडरमैन, और इसके अंदर भी हमें बहुत सारे करेक्टर मिल जाते हैं। और गाइस ये देखिए एल्सा वाला करेक्टर, और एल्सा वाला करेक्टर तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई तो बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है। चले मैं इसको भी पैकिंग से निकाल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से 3D होती है। तो गाइस जल्दी से मैं इसकी पैकिंग से निकाल लेता हूँ इसको जल्दी से। तो देखें इस तरीके से 3D होती है, अरे वाओ गाइस ये देखिए, अरे वाओ गाइस इस तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल लगती है तो बटरफ्लाई। गाइस जल्दी से वो वाली बुक भी चेक कर लेते हैं, मैजिक बुक जिसके ऊपर हमने कलरिंग करी थी। तो चले जल्दी से हम चेक करते हैं उसको कि उसके ऊपर से कलर गायब हुए या नहीं। तो चले जल्दी से मैं उसको देखता हूँ, अरे वाओ गाइस इसके ऊपर से तो तमाम कलर गायब हो चुके हैं। और गाइस ये बहुत ही अमेजिंग हो गया है, और गाइस ये तो 15 मिनट से पहले ही गायब हो गए। गाइस अब नई वीडियो के अंदर नई चीजों के साथ मिलेंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।